प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, EHV AC एंड DC की श्रृंखला में ये आज हमारा पार्ट 6 है। इसके पहले मैं 5 पार्ट्स में आपके साथ 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करूँगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ लाइक किया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और अगर बहुत अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपको जैसी भी फीलिंग आती है वीडियो के बारे में, आप ज़रूर मुझे बताया कीजिए। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे अपनी आज की वीडियो को अपने पहले क्वेश्चन से। और हमारा पहला क्वेश्चन है HVDC कन्वर्टर्स। देखिए, हमारे पास 3 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन HVDC कन्वर्टर्स के लिए सत्य है। हमारा पहला ऑप्शन है डज नॉट कंज्यूम रिएक्टिव पावर। दैट मीन्स कि HVDC कन्वर्टर डज नॉट कंज्यूम रिएक्टिव पावर, यानी HVDC कन्वर्टर रिएक्टिव पावर कंज्यूम नहीं करता है, या फिर HVDC कन्वर्टर कंज्यूम्स एज मच रिएक्टिव पावर एज रियल पावर, या फिर HVDC कन्वर्टर जितना रिएक्टिव पावर कंज्यूम करता है उतना ही वो रियल पावर भी कंज्यूम करता है, या फिर ऑप्शन सी कंज्यूम्स 50% ऑफ द रियल पावर, या फिर HVDC कन्वर्टर रियल पावर का 50% कंज्यूम करता है। नाउ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, HVDC कन्वर्टर कंज्यूम्स 50% ऑफ द रियल पावर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ बैक टू बैक HVDC लिंक कैन बी एडवांटेजियस एज कंपेयर टू AC प्राइमरीली बिकॉज इट इज चीप, और ऑप्शन बी ऑफ स्टेबिलिटी कंसिडरेशंस, या ऑप्शन सी ऑफ कंट्रोल्ड पावर ग्लो। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। दैट मीन्स अ बैक टू बैक HVDC लिंक कैन बी एडवांटेजियस कंपेयर टू AC प्राइमरीली बिकॉज ऑफ कंट्रोल्ड पावर ग्लो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ 12 पल्स ब्रिज इज प्रीफर्ड इन HVDC बिकॉज इट इलिमिनेट्स सर्टेन हार्मोनिक्स, ऑप्शन ए, या ऑप्शन बी इट रिजल्ट्स इन बेटर पावर फैक्टर, या ऑप्शन सी सीरीज कनेक्शन ऑफ कन्वर्टर्स ऑन HVDC साइड, सॉरी ऑन DC साइड इज बेटर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, और 12 पल्स ब्रिज इज प्रीफर्ड इन HVDC बिकॉज इट इलिमिनेट्स सर्टेन हार्मोनिक्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फॉल्ट ऑन 2 टर्मिनल DC लिंक इज रिमूव्ड बाई 2 टर्मिनल DC लिंक पर जो फॉल्ट होगा उसे हम किस तरह से, किसके द्वारा रिमूव करेंगे। हमारे ऑप्शंस हैं ब्रेकर्स ऑन DC साइड, या ऑप्शन बी ब्रेकर्स ऑन AC साइड, या ऑप्शन सी करंट कंट्रोल ऑफ कन्वर्टर्स। तो बच्चों, करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, फॉल्ट ऑन 2 टर्मिनल DC लिंक इज रिमूव्ड बाई करंट कंट्रोल ऑफ कन्वर्टर्स। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड टू रिड्यूस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट्स। निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है शॉर्ट सर्किट करंट को रिड्यूस करने के लिए। तो हमारे ऑप्शंस हैं रिएक्टर्स, या ऑप्शन बी रेजिस्टर्स, या ऑप्शन सी कैपेसिटर्स, या ऑप्शन डी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज, या इन सभी का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट मीन्स रिएक्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस शॉर्ट सर्किट फॉल्ट करंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्टर्स आर पॉपुलरली यूज्ड इन पावर सिस्टम्स। निम्न में से कौन सा पावर सिस्टम में पॉपुलरली यूज किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए कॉम्पेंसेशन रिएक्टर्स, या ऑप्शन बी करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स, या ऑप्शन सी सप्रेशन और पीटरसन रिएक्टर्स, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट मींस ऑल रिएक्टर्स लाइक कॉम्पेंसेशन रिएक्टर्स, करंट लिमिटिंग रिएक्टर्स एंड सप्रेशन और पीटरसन रिएक्टर्स आर पॉपुलरली यूज्ड इन पावर सिस्टम्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑयल इमर्स टाइप रिएक्टर हैज़ द एडवांटेज ऑफ। ऑयल इमर्स्ड टाइप रिएक्टर का हमें एडवांटेज बताना है और हमारे ऑप्शंस हैं, पहला हायर सेफ्टी अगेंस्ट फ्लैश ओवर, या ऑप्शन बी स्मॉलर साइज विद लार्ज थर्मल कैपेसिटी, या ऑप्शन सी लिमिटिंग द फॉल्ट वोल्टेज, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, दैट इज ऑयल इमर्स्ड टाइप रिएक्टर्स हैज एडवांटेज ऑफ हायर सेफ्टी अगेंस्ट फ्लैश ओवर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन एट, शंट रिएक्टर्स आर कनेक्टेड विद ट्रांसमिशन लाइन्स फॉर। शंट रिएक्टर्स को ट्रांसमिशन लाइन के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के साथ कनेक्ट किया जाता है फॉर लिमिटिंग फॉल्ट करंट, ऑप्शन ए अब्सॉर्बिंग रिएक्टिंग पावर, या ऑप्शन बी ऑप्शन सी अब्सॉर्बिंग हाई वोल्टेज सर्जेस, या ऑप्शन डी लिमिटिंग फॉल्ट करंट। वेल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज अब्सॉर्बिंग रिएक्टिव पावर्स, दैट मीन्स शंट रिएक्टर्स आर कनेक्टेड विद ट्रांसमिशन लाइन्स फॉर अब्सॉर्बिंग रिएक्टिव पावर। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्रोटेक्शन इज यूज टू अचीव अर्थ फॉल्ट ऑपरेशन। अर्थ फॉल्ट ऑपरेशन को अचीव करने के लिए निम्न में से कौन सा मेथड, कौन सा प्रोटेक्शन मेथड यूज किया जाता है। ऑप्शन ए है हमारे पास कोर बैलेंस मेथड, या ऑप्शन बी रिले कनेक्टेड विद न्यूट्रल टू ग्राउंड, या ऑप्शन सी फ्रेम लीक्ड मेथड, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन ए, दैट इज कोर बैलेंस मेथड ऑफ प्रोटेक्शन इज यूज टू अचीव अर्थ फॉल्ट ऑपरेशन, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव मिनिमम फॉल्ट्स अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पावर इक्विपमेंट। निम्न में से किस पावर इक्विपमेंट में सबसे कम फॉल्ट्स अकर होते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ट्रांसफॉर्मर, या ऑप्शन बी स्विच गियर, या ऑप्शन सी CTPT यानी करंट ट्रांसफॉर्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, या ऑप्शन डी ऑल्टरनेटर। वेल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी, दैट इज मिनिमम फॉल्ट अकर्स इन ऑल्टरनेटर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्ज इंटरनल फॉल्ट्स ब्लो ऑयल लेवल आर प्रोटेक्टेड बाय। हमारे ऑप्शंस हैं मो एंड ओम रिलेज, ऑप्शन बी हॉर्न गैप एंड टेम्परेचर रिले, या ऑप्शन सी मर्ज प्राइस परसेंटेज डिफरेंशियल रिले, या ऑप्शन डी अर्थ फॉल्ट एंड पॉजिटिव सीक्वेंस रिले। वेल हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज हॉर्न गैप टेम्परेचर रिले, दैट इज लार्ज इंटरनल फॉल्ट बिलो ऑयल लेवल आर प्रोटेक्टेड बाई हॉर्न गैप एंड टेम्परेचर रिले। नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटरप्शन ड्यू टू फॉल्ट एंड मेंटेनेंस इज मिनिमम इन। ऑप्शंस हैं हमारे पास मेन एंड ट्रांसफर बस अरेंजमेंट, या ऑप्शन बी सिंगल बस अरेंजमेंट, या ऑप्शन सी शंक्शनलाइज्ड सिंगल बस अरेंजमेंट, डी डबल बस डबल ब्रेकर अरेंजमेंट। और इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दैट मीन्स इंटरप्शन ड्यू टू फॉल्ट एंड मेंटेनेंस इज मिनिमम इन डबल बस डबल ब्रेकर अरेंजमेंट। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।
दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड मैं HVDC AC के साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड ऑप्टिकल फाइबर की वीडियो भी बना चुका हूँ, और जल्दी ही स्पेशल इलेक्ट्रिकल मशीन की वीडियोस भी आपके लिए लाने वाला हूँ। तो इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, इसीलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अभी मैं आपसे इजाज़त लूँगा, जल्दी ही मिलूँगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।